कैसे छिड़क गया सीधा। अंदर बैठो, अंदर जाओ। गाइज मैं एक बात बताना चाहती हूँ, पर कशिश मेरे को बहुत रोक रही है। मैं मम्मी को बताऊंगी तो मेरे को गाली दे रही है। छोड़ दो, एक्सेलरेटर छोड़ने में फायदा है। पर तो सुप्रभात दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? तो अभी बज रहे हैं सुबह के 7:30 और मैं आ चुकी हूँ बाहर देखने कि मौसम कैसा हो रखा है, क्योंकि गोली को जाना है अभी स्कूल छोड़ने। और कल रात को, भाई साहब कल रात को इतनी तेज़ बारिश हो रही थी, बारिश के साथ साथ तो ढांड भी पड़ रही थी, जिसको बोलते हैं ना ओले, ओले पड़ रहे थे कल रात को। तो मौसम तो कुछ इस तरह के से हो रखा है। मौसम अभी भी वही हो रहा है, पर शायद धूप आ रही है वहाँ से, पता नहीं दिख रहा होगा कि नहीं। आज हम भी कॉलेज जाने की सोच रहे थे और ये हो गया, पर नहीं जाना है आज, कॉलेज जाना है। और थोड़ा जुकाम लग गई मेरे को, कल लग गई थी जुकाम। तो गुड मॉर्निंग, और ये रेडी हो रहा है स्कूल जाने के लिए और तब से ड्रामे कर रहा है, और टाइम होने वाला है इसका बेवकूफ। आज हम मिनी ब्लॉग, मिनी नहीं है ब्लॉग है, ये ब्लॉग स्टार्ट करेंगे। खूबसूरत है ना? खूबसूरत है बेटे, तू ही पकड़ के लेके आया, मतलब इसको अंदर नहीं, पूरा कबाड़ा सब अंदर भर देता है ये लड़का। और इसको पांच, और इसको 5-6 हेल्पर चाहिए अपने तैयार होने के लिए सुबह। कोई इसको जूते पहनाता है, कोई इसके बालों में तेल लगाएगा, कोई क्रीम लगाएगा, कोई इसको कपड़े पहनाएगा, और कोई इसको बाथरूम के बाहर से आवाज लगाएगा कि गोली आजा बाहर। 10 नौकर है मेरे घर पे। कौन है, नाम बता दे 10 में कौन है। बोल मेरी मम्मी 10 के बराबर है। एक नौकरानी, एक बिल्ली नौकरानी, एक टेडी बियर नौकरानी। इसको कट करते हैं, ये बकवास करता रहता है लड़का। तो गोली आपको स्कूल जाने में कैसा लगता है? बेकार, दुख दर्द कौन समझेगा हमारा। अच्छा, तुम्हारा कौन सा दुख दर्द? स्कूल जाने का दुख दर्द मुझे स्कूल जोर नहीं से बोल, थोड़ा सुनाई नहीं दे रहा। स्कूल नहीं पसंद मुझे, स्कूल नहीं पसंद, बल अब मेरे को सीधा जॉब करनी है। देखा इतने छोटे छोटे बच्चों पे कितना। मुझे तो इंडिया आर्मी की जॉब करनी है। क्या, इंडियन आर्मी? हाँ, चले जाएगा। एक देखी है क्या, इंडियन आर्मी की जॉब, ट्रेनिंग होती है। ओ माय गॉड, गोली तो अभी से बहुत ही, जबकि अभी सिर्फ सेकंड क्लास में। और मैं तो पुशअप भी मारता हूँ। पुशअप रुक जा, मुझे घर आने दियो शाम को, तब देखेंगे तेरे पुशअप। पुशअप की जगह का बटर, बंदर ने कैच करी रोटी। वाओ, तो गाइस बैक टू होम, हम आ चुके हैं दोनों के दोनों कॉलेज से। आज तो ठीक 5 बजे पहुंच रहे हम सीधा घर। हाउ बिजी शेड्यूल, वही तो, घर से निकले थे हम 9:30 और पहुंच रहे अब सीधा, कितने अभी पहुंचे, कितने बजे हम 5:30 हो चुके हैं। भयंकर ऐसा कॉलेज किस किस। और अभी मैं आपको एक बात भी बताना चाहती हूँ, बहुत ही फनी सी, इस मैडम की अभी बताती हूँ आप सभी लोगों को। आशीष चलो बताती हूँ। तो दोस्तों अभी हमें बहुत ज़्यादा भूख लग गई थी, तो हम लेके आए हैं मोमोज, ये चटनी। मोमोज खोलो भाई जल्दी, कशिश को बहुत ज़्यादा भूख लग चुकी थी, तो हमने कहा चलो आज खा ही लेते हैं, वरना हमने 1 महीने से ज़्यादा हो गया हमने सब कुछ छोड़ रखा था। अब सबर का बांध टूट चुका है कशिश और मेरा। तो दोस्तों अभी वो घड़ी आ चुकी है जहाँ पे गोली दिखाएगा हमें अपने पुशअप, जो इसको इंडियन आर्मी में जाना है। तो लेट्स सी हमारा गोलू कितना मार पाता है। वेट, चलो अबे कुत्ते ऐसे मारते।
तो इतने ऊपर रख रखे उसने, ऊपर पहुंचा दे ऊपर। नवीन से बोल। तो सब ऐसे ही तो बोलते हैं, अब क्या बोलूं, बम बोलूं। चल स्टार्ट स्टार्ट हो जाओ। ड्रामे क्यों कर रहा? हाँ, ओ वाओ, सेक्सी मूव, सेक्सी मूव्स को लिखे इधर। दर्शकों अभी हमारे बीच आई है कछुई जो कि धाराशाही होगी। गोली हट जा, गोली हट जा, उसको भी देखने दे, जो कि धरती चाटती फिर रही है। इससे अच्छा तो गोली ने करा था। हमारे स्कूल में कहते थे लड़कियों वाले पुशअप भी होंगे क्या सर? तो ये लड़की, तो ये होते हैं लड़कियों वाले पुशअप। ई बाबा चढ़ जा। गाइज इन दोनों की तो चलती रहेगी। फिलहाल मैं आपको एक बात बता, गोली मैं तेरे को एक बात बताना चाहती हूँ। जैसे लोग चलाते हैं स्कूटी ना, तो क्या करते हैं, एक हाथ ब्रेक में भी रहता है ये वाला, और इससे हॉर्न बजाते हैं। पर कशिश क्या करती है पता है, वो उसके हाथ पहुंचते नहीं है ब्रेक में, पहले वो ब्रेक छोड़ती है, उसको पकड़ती है, फिर पीपी, फिर ब्रेक में पकड़ती है, पता है? उसके हाथ इतने छोटे हैं। मैं कहती हूँ तू कर क्या रही है, कह रही कि मेरा हाथ ही नहीं पहुंच रहा उसमें। जैसे हम लोग क्या करते हैं, जैसे कभी हाथ छोड़ के मतलब ऐसे कोई चलाता है तो लेफ्ट वाला छोड़ता है। कशिश क्या करती है, कह रही मेरा इस हाथ में ब्रेक है, ये नहीं छोड़ सकती मैं, जिसमें एक्सेलरेटर होता है ना वो छोड़ देती है कि इसमें मेरा ब्रेक है। अगर मैं एक्सेलरेटर छोड़ दूंगी तो स्कूटी चलेगी कैसे, पर नहीं इसमें मेरा ब्रेक है, ये कैसे छोड़ दूं मैं? एक्सेलरेटर छोड़ने में फायदा है पर। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको कशिश के और ऐसे नमूने, ऐसे किस्सों के बारे में सुनना है तो प्लीज सब्सक्राइब करना, ताकि मैं आपको कशिश के बारे में थोड़ा और कुछ बता सकूं। ये अभी मेरे को रात को बेड से नीचे फेंकने वाली, मुझे पता है। तू मेरे बारे में ऐसे कैसे बता सकती है, मेरे को रात को नीचे मत फेंकना, वैसे ही जुकाम लगी और ठंड लग जाएगी मेरे को। तो अगर आपको कंबल नहीं मिलेगा इसको रात को, जितनी जुकाम लगे मैं सुबह उठ भी ना, वैसे नाक के इतने पूरे द्वार बंद हो चुके हैं मेरे, बोला भी नहीं जा रहा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।